आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ भी सीखे चैनल पर। मैं आप सभी का दोस्त आप सभी के लेकर आया हूँ बैंकिंग सिलेबस और साथ ही एसएससी का। मैं आपको सारा ही बैच आपको कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है, मैथ और आपके रीजनिंग के। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं बैंक का सिलेबस क्या है, उसके बाद मैं आपको एसएससी का सिलेबस कराऊंगा, और फिर जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे मैं आपको टॉपिक जो है अपलोड करता जाऊँगा। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी चैनल के थ्रू जो है पूरा पढ़ सकते हैं अपना पूरा सिलेबस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बैंकिंग सिलेबस में अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें सिलेबस दो टाइप से डिवाइड होता है। ठीक है, दो टाइप से इसमें डिवाइड होता है, एक ये और एक ये। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आता है 10 क्वेश्चन, इस वाले सिलेबस से आपके आएंगे 10 क्वेश्चन। इस वाले सिलेबस से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से आपके आएंगे 25 क्वेश्चन। ठीक है, और टोटल आपके कितने होते हैं, टोटल आपके क्वेश्चन आपके कितने आते हैं एग्जाम में, 35 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, केवल और केवल आप ऐसा एक ही जो है एग्जाम देखेंगे आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क का, जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, बाकी आप बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो उन सभी में आपके कितने कितने आते हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड के। ठीक, तो मैं यहाँ पे पहले सिलेबस का डिस्कस कर रहा हूँ आपसे एप्टीट्यूड के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये जो 10 क्वेश्चन है, पहले तो हमारा मेन पॉइंट जो है 25 क्वेश्चन का है, क्योंकि ये ज़्यादा आता है तो पहले कवर हमें ये करना है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं जिन पे हमें सबसे पहले फोकस करना है। तो पहले हम यही वाला जो है पोर्शन उठाएंगे और इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वाला 10 क्वेश्चन वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है, क्योंकि 25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका जो है पूरा होना बहुत जरूरी है, ये वाला पार्ट। ठीक है, पहले उसके बाद हम ये दस जो जिसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं इसको भी हम कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं, पहला जो इसमें आपका टॉपिक आता है, पहला चैप्टर है इसमें आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहला आपका क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करूँ तो इसमें से आपके 4 नंबर, मतलब 4 या 5, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे हुए हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में रखे हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, दूसरा आपका आता है नंबर सीरीज, दूसरा आपका क्या आता है नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के भी 5 क्वेश्चन डेफिनेटली रखे हुए हैं, ये आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मतलब ये जो 25 क्वेश्चन के अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपको रोज लगाने बहुत जरूरी है। ठीक है, नंबर सीरीज। ठीक है, अगला तीसरा देखते हैं, तीसरा आपको क्या आता है सिंप्लीफिकेशन, तीसरा क्या आता है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अगले की बात हम करते हैं, अगला आता है आपका अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अगला आता है आपका क्या, अगला आता है आपका अप्रोक्सीमेशन, बात समझ आई। तो इसके भी 5 क्वेश्चन आपके रखे रखे हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपके रखे हुए हैं वहां पर, अगर आपने इन सब चैप्टरों को जब कंप्लीट कर लिया तो 25 क्वेश्चन आपके यूं ही कर लेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, देखिए फोर्थ चैप्टर आपका कौन सा है, फोर्थ चैप्टर है आपका परम्यूटेशन। एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसी में आपका एक और आ जाता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ ही आपका आता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें बच्चों को काफी घबराहट होती है। ठीक है, इससे मैक्सिमम आपका क्वेश्चन बनेगा आपका 1, बट लेकिन मेंस के एग्जाम में इससे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रखे रखा है मेंस में। ठीक है, वो भी आपके डीआई के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको हर एक चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि मेंस में जो आपका पूछा जाएगा वो 5 से 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। लेकिन हाँ, जिस बच्चे का बेसिक क्लियर होगा वो बंदा जो है डेफिनेटली मेंस एग्जाम में टोटल आउट ऑफ टोटल लेके आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला देखिए, अगला क्या है आपका, अगला जो टॉपिक आता है आपका है डाटा इंटरप्रिटेशन। अगला आपका क्या आता है, अगला आता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जिसको सभी डीआई के फॉर्म में जानते हैं, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सॉरी, प्री में तो इसमें आपके 10 से 15 नंबर फिक्स हैं, प्री में 10 से 15 मार्क्स का ये आता ही आता है, मेंस में मैक्सिमम आपके 25 से 30 मार्क्स का आता है ये डीआई, इसलिए आप ध्यान रखना। ठीक है, प्री में तो 10 से 15 मार्क्स का डेफिनेटली रखा हुआ है, और मेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें 20 से 25 मार्क्स का आपका डीआई रखा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए अगला
अगला आपका क्या है, डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी, इसे हम डीएस बोलते हैं, डाटा सफिशिएंसी। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो डाटा सफिशिएंसी भी से भी आपके कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में और 5 क्वेश्चन जो है आपके प्री एग्जाम में रखे हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके 6 चैप्टर, ये हैं आपके 6 चैप्टर। इन 6 चैप्टरों से आपके आते हैं 25 क्वेश्चन, जिसे आप आपको यानी कि इन 6 चैप्टरों पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बात है ये। ठीक है, इन 6 चैप्टरों पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बात समझ अच्छे तरीके से। चलिए, तो ये हुआ आपका 25 नंबर का जो आपको क्वेश्चन क्लियर करना है, मतलब 25 क्वेश्चन जो भी अगर बच्चा स्टार्टिंग में तैयारी कर रहा है तो वो ये 25 क्वेश्चन ये जो है पोर्शन पढ़कर जरूर जाए, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन बनने हैं। 25 क्वेश्चन का 25 नंबर के आने हैं और ये 25 नंबर जो है आप बहुत ही कम समय में गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं जो है 10 क्वेश्चन पर, मतलब जहाँ से हमें 10 नंबर लेने हैं एग्जाम में। तो ये आपका आता है अर्थमेटिक वाला, ठीक है, ये वाला आपका आता है अरिथमेटिक वाला पोर्शन। ठीक है, ये आपका आता है अर्थमेटिक वाला पोर्शन। तो ये जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन आपका आया है, इसमें आपका देखिए कौन कौन से आता है। पहले इसमें अगर मैं बात करता हूँ, देखिए पहला जो इसमें हमारा चैप्टर आ रहा है, वो पहला चैप्टर आ रहा है कौन सा, परसेंटेज। पहला क्या आ रहा है, परसेंटेज। दूसरे के बारे में बात करते हैं, दूसरा देखिए क्या आ रहा है, दूसरा है आपका प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, दूसरा आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। अगली बात करते हैं, अगला देखिए क्या आ रहा है, अगला टॉपिक है आपका एसआई एंड सीआई। और बहुत बार जो इसमें कॉम्बिनेशन जो पूछा गया है वो एसआई सीआई अलग अलग तो देते हैं, लेकिन एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस, एसआई और सीआई के कॉम्बिनेशन को एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसको टाइप वाइज टाइप जो है डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। ठीक है, अगली बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क का है। अगला टॉपिक आपका किसका है, टाइम एंड वर्क का। ठीक, अगला अगला इसके बाद क्या आता है आपका, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप्स एंड सिस्टर्न। ठीक, बात समझ आ रही है। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक इसमें क्या आता है, वर्क एंड वेजेस। अगला टॉपिक क्या आता है, वर्क एंड वेजेस, बात समझ आ रही है, वर्क एंड वेजेस। अगला देखो, अगला आपका क्या आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अगली बात करते हैं, अगला देखिए क्या कह रहा है, बोट एंड स्ट्रीम, जो इसी में से आता है टाइम स्पीड, जिसका टाइम स्पीड जो है डिस्टेंस वाला पोर्शन जो है, जो आपका चैप्टर क्लियर है, तो वो बोट एंड स्ट्रीम भी बहुत ही आसानी से कर सकता है। बात समझ आ रही है, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, अगला चैप्टर आपका इसी में आता है कौन सा, ट्रेन का। ठीक है, अगला अगला देखिए क्या आएगा आपका, अगला आएगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगली बात करते हैं, अगला आपका आता है मिक्सचर एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मिक्सचर अलग है और एलिगेशन अलग है। ठीक है, इसको मिक्सअप ना करें, ये एक ही चैप्टर नहीं है, दोनों अलग अलग चैप्टर है। ठीक है, मैं आपको दोनों चैप्टर अलग अलग कराऊंगा, बात समझ आ रही है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका एज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एज से आपका एक क्वेश्चन रखा रखा है। ठीक है, 13 के बारे में बात करते हैं, अगला जो आपका टॉपिक है वो आपका है पार्टनरशिप, अगला जो आपका टॉपिक है वो किसका है, पार्टनरशिप का। ठीक है, 14 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अगला आपका आता है एवरेज। ठीक है, तो ये जो आप ये जो चैप्टर देख रहे हैं, परसेंटेज से लेके ये आपका एवरेज तक का, ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे, इनमें से एक एक क्वेश्चन आपका आएगा, मतलब इन ये जितने भी आपका जैसे 14 चैप्टर्स हैं, इन 14 चैप्टर्स में से आपके केवल और केवल 10 क्वेश्चन आएंगे। मतलब अगर आप एवरेज भी लगाओ तो
चैप्टर से एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा इसमें, मतलब पर चैप्टर से एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, देखो एक्चुअल में क्या है कि एक क्वेश्चन तो परसेंटेज से रखा हुआ है, एक प्रॉफिट लॉस से रखा हुआ है, एक SICI से रखा हुआ है, एक टाइम एंड वर्क से रखा गया है, एक टाइम और पाइप और सिस्टम से भी आपका आता ही आता है, वर्क और वेजेस। कहने का मतलब टाइम एंड वर्क है ना, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और वर्क और वेजेस, इन ये तीनों एक ही मतलब मेथड पे तो बेस्ड है ना। इन तीनों में से कोई मतलब एक क्वेश्चन आएगा, या तो टाइम एंड वर्क पे बेस्ड आएगा, या पाइप एंड सिस्टम पे बेस्ड आएगा, या फिर वर्क एंड वेजेस से आएगा। ठीक है, आगे देखो अगले क्या। और इसमें तो आपका डिफरेंट है, मतलब परसेंटेज से एक आएगा, प्रॉफिट लॉस से एक आएगा, SICI से आपका एक आएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन है यहाँ से, और इस पूरे से आपका एक आएगा, या तो टाइम एंड वर्क से एक आ जाएगा, पाइप सिस्टम से एक आ जाएगा, या फिर वर्क एंड वेजेस से आपका एक आ जाएगा। बात समझ आई? अब देखिए, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, और ये ट्रेन। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो यहाँ पर भी आपका जो है, यहाँ पे कम से कम दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो टाइम स्पीड डिस्टेंस से आपका एक क्वेश्चन पूछ लेगा, बोर्ड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इन तीनों में से कोई से भी आपके दो क्वेश्चन, मतलब यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। बोर्ड स्ट्रीम पर एक क्वेश्चन आपका रखा ही रखा है, ट्रेन पर भी आपका एक क्वेश्चन रखा हुआ है, लेकिन टाइम स्पीड डिस्टेंस से आपका देगा नहीं देगा पता नहीं है, बट लेकिन इन दोनों से आपके क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के आप इससे दो क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, रेशो एंड प्रोपोर्शन से, रेशो प्रोपोर्शन से ये आपका आ भी सकता है नहीं भी, ठीक है, आ भी सकता है नहीं भी, मैक्सिमम आप एक मान सकते हैं इससे। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन से आपका एक आएगा। ठीक है, मैक्सिमम आपसे जो है ज़्यादा वही पूछता है, मिक्सचर बेस्ड पूछता है, जैसे कि 10 लीटर वाटर है, मिल्क है, मिक्सचर कर दिया है, तो ये सारा हम देखेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक देखेंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, जीरो से हीरो लेवल रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आपका आता है एज। एज से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली रखा रखा है। ठीक है, और आपका पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन रखा रखा है डेफिनेटली, और एवरेज से कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता है, तो इसे भी आप मान लीजिए। लेकिन आपके जो पार्टनरशिप, एज, ट्रेन, वोट, स्ट्रीम, वर्क वेजेस, इन सबसे एक हिस्से, एक हिस्से, एक हिस्से, ये आपके क्वेश्चन रखे रखा है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला तो है नहीं, मतलब आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से डीपली आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो जाहिर सी बात है आप मेन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये था हमारे पास ओवरऑल सिलेबस। ठीक है, ये था हमारे पास ओवरऑल सिलेबस, तो आप इसको आसानी से उतार सकते हैं। ठीक बात, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया बैंकिंग के सिलेबस के बारे में, और वन बाय वन करके इनके जो टॉपिक है मैं आपको जो है अपने जो चैनल है कुछ भी सीखें आप सभी यहाँ पे आके जो है देख सकते हैं, आपको मैं पूरा सिलेबस कराऊँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हम जो है स्टार्ट कहाँ से करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि ये आपका मेन है। ठीक है, पहले ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी तक तो आपका ठीक है, बट लेकिन ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन है और डाटा सफिशियंसी, इन दोनों चैप्टर्स के लिए आपका ये अर्थमेटिक मजबूत होना चाहिए, इसलिए इन दोनों चैप्टर्स को मैं आपको बाद में कराऊंगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए।